Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
गीता जी का पाठ छठा अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अथ षष्ठोऽध्याय श्रीमुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय यं संन्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पाण्डव न यसन्न्यास्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु
न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो चात्मैव त्रिपुरात्मन बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समगोष्णकाञ्चन सुहृन्मेत्रार्युदासीन मध्यस्थदेश्य बन्धुषु साधुष्वभि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण Hare
Hari Sharanam, Hari Sharanam, Hari Sharanam. Ram Narayan, 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 Narayan. Ram 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 Narayan, 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 Narayan. तीन बात है, एक ईश्वर है और एक संसार है, एक मैं हूँ। सब क्या चीज का, एक परमात्मा है और एक संसार है, एक मैं हूँ। ये तीन के साथ वो सब चीज है तो बोलो क्या जाओ बता दो सुन ले। तो जानना है वो अपने को और मानना है ईश्वर को और सेवा करनी संसार की। कोई उद्धार चाहे, अपना कल्याण चाहे तो अपने को जाने और संसार की सेवा करे और परमात्मा को माने। परमात्मा जानने में नहीं आते, सो जाने देह जराई वो जाना तो तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघु रंगन जानत भक्त भक्त करना। भगवान की कृपा से ही भगवान को जानते हैं, भगवान ही जनाते जानता है मनुष्य। भगवान जान नहीं सकता, मान सकता। तीन बात होती है, जानना मानना करना, काम चीज है। सिवाय तीन की और क्या सकती है, आपने जान नहीं सकती, मान नहीं सकती, कर नहीं सकती। तो जानना चाहिए स्वयं को और मानना चाहिए ईश्वर को और करनी चाहिए सेवा। तीन बात सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका भला कैसे हो, सबकी उन्नति कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, उसके लिए अपने उद्योग परिश्रम करो, करो सेवा। और जानो अपने को, मानो भगवान को, भगवान है। तो भगवान केवल है इतना नहीं है, ऐसा मानकर कुछ सरल हो जाना। हे नाथ मैं आपका हूँ, क्योंकि ये बात सच्ची है। ममी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से ये जीव परमात्मा का है। तो परमात्मा से ही आया है, परमात्मा में रहता है, परमात्मा में जाएगा। तो दूसरा जो नाशवान का सहारा है ना, सही का संसार का, ये शरीर और संसार ये मिटता जाता है, बदलता जाता है, नष्ट होता जाता है और परमात्मा निरंतर रहते हैं। संसार बदलता है, परमात्मा कभी बदल नहीं। परमात्मा कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो तो संसार बदल गया, युग बदल गया, समय बदल गया, अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, ये सब बदल गए। परंतु परमात्मा बदल गए ऐसा किसी ने लिखा है। सतयुग त्रेता द्वापर कली, किसी युग में भी भगवान को बदल गए हो, दूसरे आ गए हो, ऐसी बात नहीं है। वो है और संसार हम बदलते हैं। पृथ्वी के पास एक शरीर संसार प्रत्यक्ष बदलता है, अपने बच्चे थे बड़े हो गए, बूढ़े होने लगे, वही अभाव हो जाएगा। तो ये तो बदलता है संसार, शरीर और संसार एक है।
परमात्मा की बात में ये भी एक है, पर ये तो सुनी हुई बात है और संसार सब एक है, ये समझी हुई बात है, जानने बात है। तो संसार की सेवा करना है, परमात्मा को मानना है, अपने को जानना है, तो भगवान के शरण हो जाना है। हे नाथ मैं आपके शरण, अब इतना ही हरि शरणम इस बात पैदा हुई, भगवान के चरणों के शरण हो। प्रभु के चरणों का शरण रहने पर चिंता शोक भय सब मिट जाते, जैसे बालक माँ की गोदी में रहता है तो कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, मस्त। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण रहते हैं वो भी मस्त रहता है। फर्क इतना ही है, बालक कुछ जानता नहीं, वो सब कुछ जानता है, ये फर्क है। परंतु निश्चिंत निर्भय होने में एक ही बात, तो सबल है परमात्मा सबसे ही, उसके समान भी कोई नहीं, तो अधिक तो क्या होगा। तो उस परमात्मा का मैं हूँ, पूरे परमात्मा मेरे हैं, मैं उनके शरण हूँ। अब अपने कोई चिंता नहीं, चिंता दीन दयाल को मोमिन सुधानंद, चिंता दीन दयाल, बालक की चिंता करो तो माँ करो, बालक इनको चिंता है नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कुछ नहीं, चिंता माँ को। ऐसे भगत की चिंता भगवान को, मैं तो भगवान का हूँ, अब जहाँ वे रखेंगे, जैसा रखेंगे वैसा रहे, मस्त हो जाता है, मस्त। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर और मस्त रहता है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातुर तुलसीदास। एक का आशा है, एक का आशा है, एक का विश्वास है। जैसे ताला चातुर होता है, वर्षा की बूंद पीता है, उसका आश्रय रहता है, ऐसे भगत एक भगवान का आश्रय है। ये नाशवान का आश्रय है, ये खतरनाक है। शरीर का आश्रय है, बेटे पोता का आश्रय है, धन का आश्रय है, जमीन जायदाद का आश्रय है, भरोसा है, ये रहने वाली चीज नहीं है, जाने वाला। ये भी जाने ही वाला होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु जीव तो है अविनाशी, ये है सब विनाशी। विनाशी का आश्रय रहने पर तो पश्चाताप होगा, रोना होगा, दुख होगा, क्योंकि तो रहेगा नहीं, चला जाएगा, बीत जाएगा। स्वास्थ्य शरण भगवान का लेना है, प्रभु के चरणों का आश्रय। केवल सच्चे हृदय से उसके आश्रित हो जाए, नाथ मैं आपका हूँ। ऐसे लोग रेख करते भी है और शरण देते भी है, परंतु साथ साथ दूसरा आश्रय भी रखते हैं। धन का भी आश्रय है, परिवार का भी आश्रय है, आशा है, ये रहता है तब तो वो अनन्य आश्रय नहीं होता, होना चाहिए अनन्य। एक आश्रय एक बल एक आश्रय एक अनन्य भाव, माम एकम शरणम ब्रज। जैसे मीराबाई ने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल लोग कह देते हैं, पर दूसरों ने कोई यहाँ फैल हो जाते हैं और खुद मान लेते दोनों का भी है हमारे, दूसरे हमारे वहाँ कुछ धोखा होगा, वहाँ धोखा होगा, दूसरों ने कोई मिलता है, तो ये सब नष्ट हो जाएगा। परमात्मा रहेंगे और जीव का शरीर नष्ट हो जाएगा, उन्हें शरीर नष्ट होता नहीं है, ये रहता है। तो नाशवान का आश्रय है, ये खतरे की चीज है। नाशवान में संसार और
पास में वस्तुएं है तो इन वस्तुओं के द्वारा संसार की सेवा करो, न संसार का आश्रय लेना, सही का आश्रय लेना, वस्तुओं का आश्रय नहीं, इनका सदुपयोग करो। तुम रहेगी नहीं चीज, अरे बैठा हुआ जल है तो उसे हाथ धो लो, पैर धो लो, पैर पी लो, स्नान कर लो, काम ले लो, वो तो बह जाएगा, बैठे बैठे काम ले लो। ऐसे संसार तो बह रहा है निरंतर, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है, निरंतर बदलता है। तो सदुपयोग करो, पैसा ही कमाओ, कल करो सदुपयोग, लोभ मोह करके उसमें फंसो नहीं, करो आया है लगो, अच्छे से अच्छे काम में लगो, अच्छे से काम करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, हित करो। और ऐसे करने वाले के लिए भगवान ने कहा कि ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। अपना स्वार्थ करने से हित नहीं होता है, सुख तो दिखता है, आराम दिखता है, लाभ दिखता है, तो दिखता ही है, मिलता कुछ नहीं, सब छोड़ जाएगा। सुपना तो हो जाओ से सत्कुटम्ब धन धाम, वो सचे सबल देव नींद से जब ईश्वर का नाम, तो ये सपना किसको हो जाएगा। देख रहा सपना आया, अब देखो तो कुछ नहीं है, ऐसे ये है कुछ नहीं है। फर्क कितना है कि सपने से तो आंख खुल जाती है तब मिट जाता है, यानी आंख मिट जाती है तो मिट जाता है, आंख खुली तो दिखता है, ऐसे लग रही आंख मिट गई, जयराम जी ऐसे में आंख खुली तो मिट जाता है, आंख मिटती मिट जाता है। सम्मील ने नये नए और नहीं किंच नहीं, तो ये होने वाली चीज है सच्ची। देखो एक मार्मिक बात है, बच्चा पैदा हुआ ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, ये पढ़ करके होशियार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा संदेह है, कमावे कि नहीं कमावे संदेह है, बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, किसी संतान होगा कि नहीं होगा संदेह है, सब बातों में संदेह है, बस मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं, निसंदेह बात, एक तो मरना तो होगा ही, इस बात से अच्छा काम कर लो, जब तक प्राण है तब तक अच्छे से अच्छा काम कर लो भाई, ये रहेगा नहीं, ये अवस्था रहेगी नहीं, ये परिस्थिति रहेगी नहीं, ये संसार रहेगा नहीं, ये शरीर रहेगा नहीं, इससे अच्छा से अच्छा काम, उत्तम से उत्तम काम, सबके हित का काम, सबके कल्याण का काम कर लो, करो सो काम और भजो सो राम। इस बात की अच्छा काम करो और भगवान को याद करो, तो समय बीत जाएगा, फिर कब करोगे, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब, फिर कब करेगा, तो समय है ये जा रहा है बड़ी तेजी से, इतना तेजी से जाता है इसकी सूक्ष्मता के तरफ ध्यान बहुत कम होता है, ये देखते ना मुझे देखिए दो बार नहीं देख सकते, बदल गई हो घड़ी को देखते हो तो वो देखा मैं देख रहा बदल गई, वो नहीं रही है बदल कर दो। सब संसार जा रहा है प्रतिक्षण, निरंतर प्रवाह बह रहा है, एकदम किस तरफ जा रहा है, नाश की तरफ, पृथ्वी और समुद्र और सूरज और चंद्रमा और तारे, ये सब जितना दृश्य है सब नाश की तरफ जा रहा है, जितने शरीर है सब के सब अभाव में जा रहे हैं, जैसे आपका हमारा बालकपन अभाव में चला गया ऐसे अभी अभाव में जा रहा है,
आप और हम आकर बैठे उस समय जो शरीर था जो परिस्थिति थी उस समय वो निकल गया, निकल गया नहीं, निकलता ही चला जा रहा है, जा ही रहा है, उसने स्थायी सुख नहीं मिल सकता। हमारे को लेना है जी, तुम ले सकते नहीं, रख सकते नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, ये कहो धोखा होगा, केवल विश्वासघात होगा, सिवाय धोखे के और कुछ नहीं होने वाला है। जा रहा है निरंतर, जा रहा है अंत पर सही निरंतर जा रहा है, इसलिए सेवा कर दो और शरण भगवान का ले लो। भाई शरण कहा ना, शरण भगवान का ले लो, रुपया पैसों का, कुटुंब का, घर का, ये चलेगा नहीं, समझ लो ये तो जा रहा है, इस बार सेवा करके लाभ ले लो। त्याग से लाभ होता है, यानी पकड़ने से लाभ नहीं होता है, देखने में पकड़ना अच्छा दिखता है, रुपया लेने, वस्तु लेने, मान अभि आदर सत्कार लेने, महिमा लेने, लोगों में भरे बन जाने से लेने, कब तुम बनोगे, आंख में चाहिए कुछ नहीं, कर लो तो करने से लाभ हो जाएगा। क्या लाभ हो जाएगा, ये जो जड़ता है इससे संबंध विच्छेद हो जाएगा, चरमय तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ये प्रवाह उधर बहन मनुष्य का ये बड़ा अज्ञान है कि अपनी तो खींचता है कि धन भी ले लू, मान भी ले लू, बड़ाई भी ले लू, ये ले लू, ले सकता नहीं, ले कैसे स्थिर हो तो काशी काया मन असर सचर काम करम जो जो नर विदड़े तो काल हसन जा रहा है। इसका सेवा करके लाभ ले लो और भगवान को याद करके लाभ ले लो। एक विचित्र बात है, जो सबसे ऊंचे परमात्मा है उनकी प्राप्ति में बड़ी सुगम बात बताई कि भगवान का हूँ और भगवान को याद रखो। अच्छा स्मृति मात्र, स्मरण मात्र लेने संसार बंधना याद करने मात्र, केवल याद ऐसे संसार में कोई काम नहीं है कि याद करने से हो जाए, करना पड़ेगा तो होगा, चाहे भगवान को याद रखो कुछ मत करो। अच्छा स्मृति मात लेना, यस यस स्मरण मात लेना धर्म संसार बंधना, भगवान को तो याद रखो शरण होकर और संसार की सेवा करो। संसार में भी परमात्मा ही है तो परमात्मा की सेवा होगी, याद करो तो प्रभु के चरणों का शरण देना है, ये निहाल कर देगा, निहाल एकदम। जिन जिन लोगों ने शरण लिया है उन लोगों की विलक्षणता हो गई है, मीराबाई ने शरण लिया, प्रहलाद जी ने लिया, ध्रुव जी ने लिया, कितने ऊंचे दर्जे के भक्त हो गए, कई तरह के दुख आए में दुख सब नष्ट हो गए और शरण रह गया भगवान के हो गए, वो तो रह गया और सब बह गया, बहता तो है ही पर दुख आ गया बह जाएगा, सुख आए तो बह जाएगा, ठीक है तो बह जाएगा, बेठीक है तो बह जाएगा, अनुकूलता है वो बह जाएगी, प्रतिकूलता बह जाएगी, पर परमात्मा और ये सेम रहेगा परमात्मा का अंश। इस वास्ते स्थानों का आश्रय लेकर निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निष्कंक रहो, चार बात है। उसका शरण रहने से भय नहीं रहता, शंका नहीं रहती, शोक नहीं रहता, चिंता भय उद्वेग हलचल ये नहीं रहती, उपाल कोई निशंक हो जाओ, शंका भी नहीं है, शोक भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, भय भी नहीं है, किस बात का भय, उस प्रभु के रास्ते में निर्भय निश्चिंत निशंक निशोक। देखो ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान करते करते बोध होता है, वो
और परमात्मा के शरण होते ही काम होता है, बहुत करना नहीं। चिंता मिट जाती है, हर मिट जाती बदल देता है। आपके घर की कन्या बड़ी होगी, बड़ी चिंता होगी, माँ बाप कुटुंब को चिंता हो गई। वो चिंता कब तक रहती है? जब तक घर पर अच्छा नहीं मिल जाता। और ये अच्छा मिल गया, बड़े प्रेम से संबंध जोड़ दिया, कन्यादान कर दिया, अब वो चिंता नहीं रही। आप ही वही हो, लड़की भी वही है, अरे अपने घर पर ही बैठी है, बड़ा प्रेम है, स्नेह है, पालन पोषण करते हो, जैसे बचपन किया वैसे आज ही आप वैसे पालन पोषण करते हो, परंतु उसकी चिंता नहीं रही। चिंता कब तक है? अपना है कब तक? अपना छोड़ने की, अपना छोड़ भगवान मिले। मैं तो एक विनोद में बात कहा करता हूँ, ये संसार है ना, सृष्टि, ये लड़की है, इसको भगवान को प्यार हो, कन्यादान कर दो, मां हमारी नहीं है। एक सज्जन मिलेंगे तो अपने आपकी कन्या है ना, कहा तो हम चाहते थे हमारा लड़का है वो प्यार कर, वो याद चाहे, याद नहीं है ये बात, ये तो बड़ा अच्छा है आपका, तो हमारी कन्या थी, हम बहुत सुखवासी, बढ़िया काम था, तो अब ये तो अब नहीं, अब क्यों, अब हमारी नहीं है, अभी कर लेने का, दे दिया। ऐसे संसार को अपना मानने का अधिकार नहीं है। सच्ची बात है, आपका पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं, और रहते समय भी दूसरों का हो रहा है, नाश हो रहा है, तो पहले अपना नहीं था, फिर अपना नहीं रहेगा, अपने नहीं में जा रहा है, और उसी को अगर अर्पण कर दो भगवान को, नाश जाओ, रुपये आपके थे नहीं, रहेंगे नहीं, और अब भी आपका वियोग हो रहा है, शरीर का, संसार का, प्रति क्षण वियोग होता है, हरदम वियोग होता है, अगर उसको सत्य काम में लगा दिया, चल दिया, निहाल हो गया, नष्ट हो गया, दुख होगा, दे दिया तो सुख होगा, चोरी हो जाए, कोई छग ले तो दुख होता है, अपने मन से खर्च कर दिया, रुपये में लगा दिया, अकाल पीड़ितों में लगा दिया, गायों में लगा दिया, दुखी दीनों को लगा दिया, तो अपने से संबंध विच्छेद हो गया, अपनी प्रसन्नता होगी, और अपने रखना चाहते हैं चला जाएगा, दुख होगा, तो अपने रखने की चाहना ही मिटा गया। सब भगवान मेरे को रुपया कमाते हो और अपना मानते हो, और उसमें जितना हिस्सा आपने कर दिया कि ये दान पुण्य का है, तो दान पुण्य का कर देने के बाद वो अपनी नहीं रहती। अधिक मास आता तो ये बहनों बता 30-30 निकाल देती है, किसी चीज महीने की, अब वो पड़ी है तो अपने काम के लिए रहती हुई, लड़का कहीं उनमें से गिलास भी उठा रहा, अरे नाना ये नहीं है तो दान पुण्य की है, ये अपने काम में रहने की नहीं, अरे बिल्कुल सिर्फ देने की है, ऐसे संसार सिर्फ देने का ही है, देने का है ही नहीं, सब दे दिया जितना दे दिया, बाकी वो देना ही है, सभी मन से सबका सब ही दे दिया, अपना विशुचित याग है, संसार जीत ले ऐसा यज्ञ है, सब विश्वजित मां कर दे यज्ञ सर्वस्व दक्षिण महाराज रघु ने यज्ञ किया था, यज्ञ अदय मासी त्रयमेवती शशि प्रभम छत्र मुभे देता हमारे, एक तो छत्र और एक समास, इसके सिवाय कुछ नहीं रखा मेरे पास, सब दान किया सर्वस्व। वर्तन ऋषि थे, उसका पुत्र था कौश, तो उसने पढ़ करके महाराज से कहा कि महाराज दक्षिणा गुरु दक्षिणा, कहते बेटा तुम रह गए पढ़ गए इतनी आओ कुछ नहीं, नहीं कुछ दूंगा मैं, ज्यादा अर्थ किया, तो महाराज कहा तेजी 14 विद्या पढ़ा है, 14 लाख
14 करोड़ असर गिरा सोने की। अरे ब्राह्मण क्या देगा, मैं तो नहीं दूंगा अल्लाह का। तब ये गया रघु के पास। रघु बड़ी दानी,